2011 की फिल्म चिकन विद प्लम्स नसर अली नाम के एक पीड़ित आर्टिस्ट की कहानी है, जो अपने आखिरी दिनों को जीते हुए अपने अतीत को याद कर रहा है। नसर की मौजूदा जिंदगी और अतीत को एक दूसरे से जोड़कर इस फिल्म के जरिए हमें खूबसूरती, इंसानी सच्चाई और एक आर्टिस्ट के अंदर का छुपा दर्द दिखाया गया है। 1958 के दौर में तेहरान की गलियों में नसर अली एक नया वायलिन खरीद कर अपने घर की ओर बढ़ा। तब उसे रास्ते में ईरान नजर आई, जिसे देखकर नसर बहुत खुश हुआ। पर ईरान नाम की वो औरत नसर को पहचान नहीं पाई। इस बात ने उसे इतना निराश कर दिया कि वो ठीक से वायलिन बजा नहीं पाया और गुस्से में इस बात के लिए उसने वायलिन और दुकानदार पर इल्जाम लगा दिया। वायलिन लौटाकर नसर अपने घर आ गया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन वो अपने भाई अब्दी से मिला, जो कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा था। उसने अब्दी को बताया कि वो परेशान है क्योंकि किसी ने उसका वायलिन तोड़ दिया है और अब उसे एक भी ढंग का वायलिन नहीं मिल रहा, इसलिए वो वायलिन बजाना छोड़ रहा है। अब्दी ने उसे अपने दोस्त होशांग के बारे में बताया, जिसके पास महान म्यूजिशियन मोजार्ट का वायलिन है, और उस वायलिन को लेने अगले ही दिन नसर ने रश्त जाने का फैसला किया। इस फैसले से उसकी पत्नी फरीन खुश नहीं थी, क्योंकि दिन भर काम करने के साथ साथ अब उसे अकेले अपने शरारती बेटे को संभालना होगा। उन दोनों की बहस तब खत्म हुई जब नसर अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया और उसके बेटे ने रश्त तक का पूरा सफर हर किसी के लिए बिगाड़ दिया। रश्त पहुँच कर किसी तरह उसने हुशांग का पता ढूंढ निकाला और अपने बेटे को शरारत करने से रोककर वो उसे हुशांग की दुकान में ले गया। हुशांग अपनी दुकान की ही तरह यूनिक और अजीब था और अब अपने बेटे के अलावा नसर के सामने एक और पागल आ गया था। नसर जल्द से जल्द उस वायलिन को देखना चाहता था, पर हुशांग उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसे ड्रग्स देने लगा। जैसे ही नसर का बेटा शांत होकर सो गया, हुशांग ने उसे वो वायलिन दिया और उस वायलिन की खूबसूरती के बारे में बातें करते हुए वो रोने लगा। उसने वायलिन के बदले नसर से बहुत ज्यादा पैसे लिए और फिर उसके कहने पर नसर ने ड्रग्स भी ट्राई किए। होश में आते ही वायलिन लेकर नसर अपने घर लौट आया। वो वायलिन बजाने के लिए बेताब था, पर उसने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह वो वायलिन बजाने के लिए ऐसे तैयार होने लगा जैसे कि उसे किसी फंक्शन में जाना हो। अपने बेटे साइरस को पड़ोसी के घर छोड़कर वो अब शांति से वायलिन बजाने वाला था, मगर जैसे ही उसने वायलिन बजाया वो इमोशनल होने लगा। मोजार्ट का वायलिन पास होने के बावजूद उसे वो खुशी महसूस नहीं हुई जो उसके पुराने वायलिन को बजाकर उसे महसूस हुआ करती थी, और इसलिए नसर अली ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। उस दिन से 8 दिन बाद उसे उसकी माँ की कब्र के पास ही दफनाया गया। पर पिछले 8 दिनों में नसर के साथ क्या क्या हुआ, ये जानना अब भी बाकी था। पहले दिन वो ये सोचता रहा कि वो अपनी जान कैसे देगा, मगर जान देने का हर एक तरीका उसे डरावना लग रहा था। उसे एक ऐसा रास्ता तो मिला जिसमें उसे दर्द ना हो, पर वो ये सोचकर पीछे हट गया कि ये रास्ता उसकी लाश को दुनिया की नजरों में बदसूरत बना देगा। वो शान से मरना चाहता था, इसलिए उसने अपने बिस्तर में रहकर बिना खाए पिए मौत के आने का इंतजार करने का फैसला किया। घंटों तक वो बिस्तर में रहा, पर फरीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सब के बीच नसर की बेटी लिली अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान थी, क्योंकि बड़ी होकर वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। नसर चाहता था कि लिली हर वक्त पढ़ाई में गुम होकर अपना बचपन ना खो दे, इसलिए वो एक अच्छा पिता बनने की कोशिश भी कर रहा था। नसर को ये भी एहसास हुआ कि उसकी बेटी बिल्कुल उसके जैसी है, जिसका मतलब ये है कि उनकी आत्माएं एक दूसरे के करीब है। मगर नसर जैसा होने का मतलब था कि लिली जीनियस होने के साथ साथ अपनी जिंदगी में उदास रहेगी। 23 साल की उम्र में लिली अपनी माँ के पसंद के लड़के से शादी करने वाली है और 8 महीने बाद वो दोनों तलाक ले लेंगे, जिसके बाद लिली को एक एक्टर से प्यार हो जाएगा, पर उसकी खुशियाँ ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। इस सब की वजह से वो भी अपने पिता की तरह सिगरेट के धुएं के बीच जिंदगी बिताती रहेगी और उसे जिंदगी से नफरत हो जाएगी। इस भविष्य से अनजान नसर लिली को देखकर खुश हो रहा था। नसर को अब अपने कमरे में बंद हुए 2 दिन हो चुके थे और अब परेशान होकर फरीन ने अब्दी को अपने पास बुलाया। अब्दी हमेशा से फरीन से नफरत करता था, क्योंकि उसकी और नसर की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और आज उसे लग रहा था कि उसके भाई की परेशानी का कारण फरीन ही है। अब्दी और नसर बचपन से ही एक दूसरे से अलग बर्ताव रखते आए हैं, और एक तरफ जहां अब्दी पर उनके माता पिता को गर्व था, तो वहीं नसर उनके लिए सिर्फ परेशानी का एक कारण था। स्कूल में भी दोनों भाइयों का एग्जाम्पल देकर नसर को एक बुरा बेटा कहा जाता था, जिसकी वजह से उसका बचपन कभी अच्छा नहीं गुजरा।
अब्दी ये जानकर उदास था कि उसका भाई अपनी जिंदगी अंधेरे में काट रहा है। वो नसर को घर से बाहर ले जाना चाहता था, इसलिए उसे खुश करने की कोशिश करने लगा। जब कुछ काम नहीं आया तो अब्दी ने उसे याद दिलाया कि उसकी कई जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो इस तरह मतलबी होकर रह नहीं पाएगा। पहली बार उन दोनों भाइयों के बीच बहस हुई और नसर ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से उसे पछतावा होने लगा। उस रात नसर को हल्यूसिनेशन होने लगा। जिसकी वजह से वो चैन की नींद सो पाया। तीसरे दिन बर्फ पड़ने लगी और उसके बच्चे खुशी खुशी बर्फ में खेलते रहे। नसर अब भी कमरे में बंद खाना पीना छोड़कर धुएं के बीच वक्त बिता रहा था और वो अजीबोगरीब बातें सोचने लगा, जिनमें से एक बात ग्रीक पौराणिक कथा के बारे में थी। उस पौराणिक कथा को याद करके उसने अचानक बच्चों को अपने पास बुलाया ताकि वो उन्हें बता सके कि जल्द ही वो उन्हें छोड़कर जाने वाला है, मगर साइरस की वजह से वो उन दोनों को कोई ज्ञान नहीं दे पाया। नसर अब ये सोचकर डरने लगा कि उसका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्योंकि साइरस का कहना है कि वो सब्जियां बेचना चाहता है। नसर का डर उसकी मौत के बाद सही साबित होने वाला है, क्योंकि 22 की उम्र में साइरस पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्रांति का हिस्सा बनने वाला है। वो आगे जाकर नैंसी नाम की एक अमेरिकन लड़की से शादी करेगा और अपनी संस्कृति के बारे में सब कुछ भूलकर वो अमेरिका में एक अजीब सी जिंदगी जीने वाला है। चौथे दिन अपने पति को बेहतर महसूस कराने के लिए फरीन उसका पसंदीदा खाना बनाने लगी और वो उसका दिल फिर से जीतने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसने नसर को सिर्फ खाना खाते वक्त खुश देखा है। उनका रिश्ता चाहे ठीक ना हो, पर फरीन नसर से बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो हमेशा से उससे शादी करना चाहती थी, पर नसर तेहरान छोड़कर जा चुका था और इससे पहले कि फरीन जिंदगी में भटक जाती, नसर तेहरान लौट आया। नसर की माँ फरीन से मिलते ही उसे पसंद करने लगी और नसर और अब्दी की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने उसकी नसर से शादी करवा दी। आज फरीन उस प्यार को पाने की कोशिश कर रही है जो प्यार उसे कभी मिला नहीं, पर नसर उसे वो प्यार नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से आज वो मरने का फैसला ले बैठा है। कुछ दिन पहले फरीन नसर के बर्ताव से नाराज हो गई थी और गुस्से में उसने उसका वायलिन तोड़ दिया था, इसलिए नसर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। नसर की नफरत का एक और कारण था जो उस वक्त में छुपा है जब 21 साल की उम्र में वो म्यूजिक सीख रहा था। नसर के गुरु ने उसे समझाया कि उसे सच्चा म्यूजिशियन बनने के लिए अपने गानों में फीलिंग्स डालनी होगी और नसर के दिल में वो फीलिंग्स पैदा करने वाली लड़की ईरान उसकी जिंदगी में आ गई। ईरान को देखते ही नसर उससे प्यार करने लगा था और उसे देखने की उम्मीद में वो हर रोज अपनी घड़ी तोड़कर उसके पिता की दुकान में जाने लगा, जहां वो उसे पहली बार नजर आई थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ईरान उसे फिर से नजर आई। अपनी मौत के 3 दिन पहले यानी कि फैसले के 5वें दिन उसी दिन को याद करके नसर अपने आप को मौत के करीब महसूस करने लगा। तब उसे अपनी माँ की मौत याद आई जो आखिरी सांसें लेते हुए ये कह रही थी कि एक सिगरेट ही उन्हें खुशी दे सकती है। नसर ने जैसे ही उनके लिए वायलिन बजाना शुरू किया था, उनकी आत्मा उसी धुएं के जरिए निकल गई थी और जब उन्हें दफनाया गया तो कब्र के ऊपर धुएं का एक बादल आ गया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। कोई समझ नहीं पाया कि वो धुआं क्या है, मगर वहाँ मौजूद एक पागल आदमी कहने लगा कि ये बादल आत्माओं के होने का सबूत है। वो पागल जो आज हुशांग जैसा दिख रहा था, ये साबित करने लगा कि वो नसर के बारे में सब कुछ जानता है और उसकी अजीब सी बातें याद करके आज नसर ये सोचने लगा कि कोई इंसान उसके लिए दुआ मांगता है या नहीं, मगर वो ये नहीं जानता कि जिस बेटे को वो पसंद नहीं करता वही हर रात उसके लिए दुआ मांगता है। देखते ही देखते 6ठा दिन आ गया और तब मौत का दूत नसर के सामने आया। अब नसर डर के मारे उससे दूर भागने लगा। पर वो मौत से बच नहीं सकता था। उस दूत ने नसर को शांत करके अशूर नाम के आदमी का किस्सा सुनाया, जिससे वो ताजमहल के पास मिलने वाला था, मगर वो गलती से दूत को किसी दूसरे देश में मिल गया और डर के मारे अशूर अपने राजा के पास मदद मांगने चला गया। राजा ने उसे समझाया कि वो मौत से भाग नहीं सकता, पर बचने की कोशिश में अशूर इंडिया चला गया। उसे लगा कि उसने मौत को हरा दिया है, पर वो अपनी मौत की जगह ताजमहल ही पहुंच गया। इस किस्से को सुनकर नसर समझ गया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब मौत से बच नहीं पाएगा।
सातवें दिन नसर की हालत और बिगड़ गई और उसके परिवार वाले उसे खोने के डर में डूबने लगे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन नसर को सिर्फ ईरान याद आई, जिसके साथ उसने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया था। ईरान के साथ रहकर ही नसर एक म्यूजिशियन बन पाया, पर उसके गुरु जानते थे कि उसका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाला। उन दोनों ने शादी करने का फैसला तो किया, पर ईरान के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि एक म्यूजिशियन के पास पैसे नहीं होते। नसर उस दिन ईरान की जिंदगी से निकल तो गया, पर वो कभी अपने प्यार को भुला नहीं पाया। ईरान भी अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जा नहीं पाई, और उस रात के बाद म्यूजिक के साथ साथ नसर की जिंदगी में सिर्फ दर्द बचा। उसके गुरु ने उसे अपना वायलिन दे दिया, जिसके साथ 20 साल का अपना सफर पूरा करके नसर ने कामयाबी हासिल की। ईरान की किसी और से शादी हो गई, पर वो भी नसर को कभी भूल नहीं पाई। वो दोनों एक दूसरे से अलग रहकर एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जिसमें किसी को खुशी नहीं मिली। और इस सब की वजह से नसर इस मुकाम पर आ पहुंचा है। मगर नसर असल में इस जिंदगी की वजह से नहीं, बल्कि उस सच की वजह से अपनी जान देना चाहता है, जो सच कुछ दिनों पहले उसके सामने आया था। उसके सामने जब सालों बाद ईरान आई थी, तब वो अपने पोते के साथ थी, और उसने नसर से कह दिया था कि वो उसे पहचानती नहीं। नसर से झूठ कहकर वो रोती रही, और नसर भी उस दिन जिंदगी के आगे हार गया। और जिंदगी के एक फैसले ने आज नसर की जान भी ले ली, और ईरान की खुशियाँ भी हमेशा के लिए उससे छीन ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।